हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 6 हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसका नाम है फ्लो थ्रू पाइप्स। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन शियर एंड प्रेशर ग्रेडियंट इन लैमिनार फ्लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन शियर एंड प्रेशर ग्रेडियंट इन लैमिनार फ्लो, ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट का पार्ट 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं लैमिनार, ठीक है। फ्लो थ्रू पाइप्स में हमारा सेकंड पार्ट में आता है। सबसे पहले तो हमने देखा रिनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, सेकंड में हम लैमिनार के पूरा प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और टर्बुलेंट का बारे में देखेंगे और हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो लैमिनार फ्लो क्या होता है सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये रिलेशन को प्रूव करेंगे। ओके, सो लैमिनार फ्लो। इन अ लैमिनार फ्लो द फ्लूइड पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट पैरेलल पाथ इन लेयर और लैमिना such that the path of the individual fluid particle do not cross those of the neighboring particle। क्या होता है यहाँ पे लेमिनार फ्लो क्या होता है? ये एक लेयर है फ्लूड का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे एक फ्लूड का लेयर हमारे सॉलिड सर्फेस पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये सॉलिड सर्फेस है, ये हमारा फ्लूड का लेयर फ्लो हो रहा है। इसके ऊपर, जस्ट इसके लेयर के ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल ये सारे फ्लूइड के लेयर हैं, एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। बट जो स्ट्रेट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहे हैं, बट जो उनके स्ट्रीम लाइन लेयर हैं वो एक दूसरे से क्रॉस नहीं होने चाहिए। दैट इज माई लैमिनार फ्लो। ओके, नाउ एट लो वेलोसिटी द फ्लूइड मूव्स इन लेयर, ईच लेयर ऑफ फ्लूइड स्लाइड्स ओवर द एडजेसेंट लेयर। अभी जैसे हमने रिनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था, लो स्पीड जब रहता है वाटर का तब जो उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है इज लैमिनार की, तो वही यहाँ पे बता रहा है। एट लो वेलोसिटी द फ्लूइड मूव्स इन लेयर, ईच लेयर ऑफ फ्लूइड स्लाइड्स ओवर द एडजेसेंट लेयर ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स। दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मींस ये जो हम एक लेयर है इसके रिलेटिव में इस लेयर की वेलोसिटी, दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स द वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी वाई एग्जिस्ट एंड हेंस शियर स्ट्रेस टाउ दैट इज यू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई एक्ट्स ऑन द लेयर। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा, इसके कैरेक्टरिस्टिक यही सब है, आप देख लेना। अभी तो फिलहाल हम ये स्टार्ट करते हैं जो हमारे सिलेबस में मेन मेन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम प्रूव स्टार्ट करते हैं। तो शियर और प्रेशर ग्रेडियंट लैमिनार फ्लो में प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। उस एलिमेंट को हम लोग टू डायमेंशन में बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, मैं बना लेता हूँ। ओके, तो हमने ये एक एलिमेंट फ्लूइड का कंसीडर कर लिया टू डायमेंशंस में, आपको मैं शो करके दिखाऊंगा एक्स और वाई पे, ठीक है। तो हम मैंने ये फ्लूइड लिया, फ्लूइड का एलिमेंट का जो ये लेंथ है दैट इज दिस, ये हमारा है डेल एक्स। ओके, जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज डेल वाई, और जो ये है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड दिस इज डेल जेड। ये लेंथ है हमारे फ्लूइड का, ठीक है। नाउ होता क्या है यहाँ पे, आपका जो नीचे वाला लेयर है, ठीक है, नीचे वाला, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा सॉलिड कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विड का लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर जो अपना लिक्विड का लेयर है उन दोनों के बीच में क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था शियर स्ट्रेस बनेगा ड्यू टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। दोनों लेयर, ये लेयर की स्पीड अलग है, हम जानते हैं दोनों, जो नीचे वाले लेयर का स्पीड और ऊपर वाले लेयर की स्पीड अलग होता है ड्यू टू बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा हमारे ऊपर वाले लेयर में ड्यू टू दिस लेयर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन, ठीक है। मीन्स हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि ये है हमारा शियर स्ट्रेस, और जो ये डाउन वाला फेस ए बी सी डी पे एक्ट हो रहा है, इसके नीचे जो लेयर है उसके कारण जो हमारा शियर स्ट्रेस एक्ट हो रहा है इट इज टाउ। अब ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, हमने इसके ऊपर भी कोई लिक्विड का लेयर होगा, इसके कारण जो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, शियर स्ट्रेस ग्रेडियंट जो एक्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इज
टाउ प्लस डेल टाउ अपॉन, यहाँ से ये क्या है, दिस इज डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई इन टू डेल एक्स, सॉरी इट्स डेल वाई, वाई है ना, वाई डिस्टेंस पे ले रहे हैं डेल वाई, ये हमारा हो गया ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो फेस है ए डी डी डैश एंड ए डैश, इस फेस पे हमारा प्रेशर एक्ट हो रहा है पी, ठीक है, और हमारा ये जो है बी सी सी डैश और बी डैश, यहाँ का जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो है पी प्लस डेल पी विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे था डेल एक्स और डिस्टेंस डेल एक्स कर ये, ओके। सो यहाँ पे जो हमारा ये टाऊ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, टाऊ रिप्रेजेंट द शियर स्ट्रेस ऑन फेस ए बी सी डी, ओके, एंड टाऊ प्लस डेल टाऊ अपॉन डेल वाई और डेल वाई, इट्स रिप्रेजेंट द शियर स्ट्रेस ऑन फेस ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, ओके। नाउ अब हम टू डायमेंशनल के बारे में बात करें, टू डायमेंशनल बात कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा फेस ए बी डी डैश और ए डैश इधर इधर का जो फेस है इस पर हमारा कोई भी शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हमने एक्स में देख रहे हैं चाहे वाई में देख रहे हैं, हमने जेड में नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ये जेड वाला बात ही नहीं कर रहे, टू डायमेंशन में हम सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन के ग्रेडियंट्स के बारे में सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली फोर्सेस कौन कौन सा एक्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ, दैट इज शियर स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स में आप देखें डायरेक्शन ऑफ एक्स से शियर स्ट्रेस भी एक्ट हो रहा है और हमारा प्रेशर भी एक्ट हो रहा है। सबसे पहले तो जो हमारा नेट शियर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा उसका देखते हैं, द नेट शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, पैरेललोपाइप मीन्स ये पाइप है इसके पैरेलल, दैट इज पैरेललोपाइप, ठीक है। तो जो हमारा नेट शियर फोर्स एक्ट हो रहा है जो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, शियर फोर्स क्या होता है, फोर्स शियर फोर्स दैट इज प्रेशर इनटू एरिया और दैट इज शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, शियर फोर्स की बात कर रहे हैं तो शियर स्ट्रेस इनटू एरिया होगा, तो शियर स्ट्रेस एट हमारा जो अपर फेस पे है माइनस लोअर, ठीक है, तो अपर फेस पे शियर स्ट्रेस हमारा कितना है, इट इज टाउ प्लस डेल टाउ अपॉन डेल वाई, डेल टाउ अपॉन डेल वाई, डेल वाई, ये तो शियर स्ट्रेस हो गया हमारा, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा जहां पे हमारा टाउ एक्ट हो रहा है, ए बी सी डी का एरिया क्या है हमारा, इसका एरिया दैट इज लेंथ इनटू ब्रिथ, लेंथ कितना है डी एक्स और ब्रिथ ये कितना है हमारा डी जेड, तो डी एक्स और डी जेड, शियर स्ट्रेस ये इनटू एरिया इज कॉल्ड द शियर फोर्स। अब हम क्या नेट शियर फोर्स निकाल रहे हैं, जो हमारा अप लग रहा है माइनस डाउन, दैट इज टाउ, ठीक है, टाउ और दैट इज डेल एक्स अपॉन डेल जेड, शियर स्ट्रेस इंटू डेल एक्स इंटू डेल जेड इज द एरिया ऑफ दिस फेस, ओके, ये हो जाएगा हमारा। नाउ आप इसे जब सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा डेल टी अपॉन डेल वाई डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड, ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन, नेट शियर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम जो नेट प्रेशर एक्ट हो रहा है फ्लूइड पे वो कैलकुलेट कर लें। नाउ इफ द प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द फेस ए डी डी डैश ए डैश, ए डी डी डैश ए डैश पे जो हमारा प्रेशर एक्ट हो रहा है एंड सिंस देयर एग्जिस्ट अ प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इधर तरफ हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसी डायरेक्शन में हमारा प्रेशर जो एक्ट हो रहा है उस फेस पे और जो हमारा दूसरे फेस दैट इज बी सी सी डैश डी डैश पे दैट इज ये प्रेशर जो हमारा एक्ट हो रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, इस ये दोनों के थ्रू जो नेट हमारा जो नेट प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द
पैरेललो पाइप्ड क्या हो जाएगा, दैट इज जितना प्रेशर एक्ट हो रहा है माइनस जितना हमारा भाग की ओर आ रहा है, दिस पी प्रेशर, प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा, डेल वाई इंटू डेल जेड, डेल वाई अपॉन डेल जेड माइनस ये जो हमारा प्रेशर है पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स प्रेशर इंटू इस फेस का एरिया, डेल वाई अपॉन डेल जेड। सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स डेल वाई एंड हाँ डेल जेड, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब क्या होगा फॉर स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लूइड के लिए, फॉर स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो में, यहाँ पे क्या होगा, स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो में नो एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म फ्लो मीन्स हर पॉइंट पे उसका फ्लो सेम है, मीन्स कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, देयरफॉर द नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है दोनों का सम क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो फॉर स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो देयर बींग नो एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द सम ऑफ दिस फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जो हमारा सीयर फोर्स अभी निकला इक्वेशन नंबर वन और जो नेट सीयर फोर्स प्रेशर फोर्स जो निकला है एट टू इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों का सम क्या हो जाएगा जीरो, तो दोनों का सम जीरो हो जाएगा, तो हम इसके लिए इक्वेशन बनाए, दैट इज माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये माइनस में था ये प्लस हो रहा था, ये माइनस इसलिए ये माइनस कर दिए, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको जो निकलेगा दैट इज रो टी रो टाउ अपॉन रो वाई इज इक्वल टू रो पी अपॉन रो एक्स। ओके, ये था हमारा फ्लूइड फ्लो का मेन रिलेशन, सीयर स्ट्रेस का रिलेशन किससे, प्रेशर ग्रेडियंट से। बट इन लेमिनार फ्लो, अगर लेमिनार फ्लो के लिए अगर आपको इक्वेशन चाहिए दोनों का रिलेशन, तो उसके लिए क्या करना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इसका इक्वेशन आया इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन हमारा आया है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा हमारा जो यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसका, लेमिनार फ्लो का जो यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू द सीयर, सीयर स्ट्रेस ग्रेडियंट इन द नॉर्मल डायरेक्शन। जो हमारा लेमिनार फ्लो का, यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल है, हमारा सीयर स्ट्रेस ग्रेडियंट के। ओके, नाउ फॉर विस्कस फ्लूइड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, फॉर विस्कस फ्लूइड अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस, टाउ इज इक्वल टू वेल दैट इज म्यू डेल यू अपॉन सॉरी डेल वी अपॉन डेल वाई, ये होता है हमें पता है। देयरफॉर आप टाउ की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा हमारा लेमिनार फ्लो का, पुट करेंगे तो म्यू डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ क्या है, जब हम यहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, तो जो ये इक्वेशन हमारा बना है डेट इज द लेमिनार फ्लो इक्वेशन, लेमिनार फ्लो के लिए, यूनिफॉर्म स्टेट लेमिनार फ्लो के लिए ये रिलेशन हमारा बनता है। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस। सो आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।